हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीवराज सिंह और आप देख रहे हो जेएस टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक 4440 एम्पलीफायर में MP3 जो USB कार्ड होता है वो मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। पर दोस्तों, वो कुछ हटके ही होगा, कभी आपने लगाया नहीं होगा, ऐसी कुछ शायद वीडियो भी नहीं है यूट्यूब पे, वो देख लेना। फ्रेंड्स, मैं आज आपको वो एक 250 रुपये का ब्लूटूथ MP3 मिलता है वो लगाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला भी आप इसमें लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो और ये वाला भी आप एक और दिखाता हूँ रुको आपको। फ्रेंड्स, ये वाला आप नहीं लगा सकते, ये सिर्फ बना है USB प्लेयर जो MP3 होता है उसी के लिए। लेकिन मैं आपको आज ये इस एम्पलीफायर में फिट करके दिखाने वाला हूँ, मेरे वीडियो पे पूरे बने रहना। फ्रेंड्स, आप इसको देखकर आप भी बना लोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। इसमें होते हैं 4 बटन जो पुश स्विच होते हैं। फ्रेंड्स, इसकी एक बात है कि इसमें हम इसको 3 वोल्ट पे अच्छे से चला सकते हैं, 3 और 5 दोनों पे चल जाएगा आराम से। ये 3 पर भी वैसा चलेगा जैसा 5 पर चलता है और 5 पर भी वैसा चलेगा जैसा 3 पर चल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लगा हुआ था एक चार्जिंग सॉकेट जो कि वो मैंने पहले ही तोड़ दिया था, मेरे पास ऐसे ही ये सर्किट पड़ा था, ये बटन टूट गए थे, 2 बटन भी थे यहाँ पे, पूरे टोटल 4 बटन है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें चेक कर लेना मल्टीमीटर से, इन बटन में एक एक पॉइंट ग्राउंड का है जो कि पूरे बोर्ड में एक ही होता है ग्राउंड, तो आपको एक पॉइंट ग्राउंड का लेना है और एक एक स्विच के लिए आपको यहाँ से वायर उठा लेने हैं। मैं इस प्रकार से ही लेने वाला हूँ। मेरे इस एम्पलीफायर में भी 4 बटन है जो मैं इनमें इसका डायरेक्ट कनेक्शन कर दूंगा, जो कि एक इसमें ये USB है, USB पोर्ट, जो कि मैं इसको यहाँ से कट करके इसके जो पीछे 4 पॉइंट होते हैं डेटा के, डेटा प्लस के, वोल्टेज ग्राउंड के, जो कि मैं यहाँ पे 2 वायर 4 वायर लेके उसके दूसरे सॉकेट, लंबा सॉकेट जो दूसरा होगा उसी में मैं लगाने वाला हूँ। आप वीडियो में मेरे देखते रहना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं इसमें एक ऑक्स केबल भी लगा दूंगा कि जो कि मोबाइल से डायरेक्ट सॉन्ग प्ले कर सकें इसलिए। तो फ्रेंड्स, इसमें ब्लूटूथ भी है, FM रेडियो भी है और इसका USB सॉकेट और MP3 दोनों डाल सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसका पहले नट स्क्रू खोल लिए थे और इसका ये जो 8805 है ना, उसी से मैं उस बोर्ड में कनेक्शन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसको चलो 2 मिनट के लिए खोल लेता हूँ वीडियो को स्किप करके। देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर लिया और इसके ये जो पोटेंशियोमीटर होते हैं ये मैंने ओपन कर लिए हैं। चलो मैं इसके ये 4 स्क्रू भी ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड, मैंने उस प्लेट के 4 स्क्रू खोल के इसको ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स, इसके ये 4 स्क्रू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका USB कार्ड और इसके जो बटन स्विच और जो इसका USB सॉकेट है उसको निकल जाएगा इन 4 स्क्रूओं को खोलते ही। फ्रेंड्स, मैंने देख सकते हो इस पूरे सर्किट को बाहर निकाल लिया। फ्रेंड्स, ये सर्किट मेरा ख़राब हो चुका था तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसमें कोई भी सर्किट लगा सकते हो, लेकिन फ्रेंड मैं ये लगाऊंगा कि फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई खराब ब्लूटूथ का MP3 कुछ भी पड़ा हो तो आप फ्रेंड्स वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से वर्क करेगा। फ्रेंड्स, इसमें यही है कि इसमें डिस्प्ले नहीं है, बस आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगी इसमें। आपको वैसे 6 इंडिकेटर मिल जाएंगे इसके अंदर कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा बोर्ड ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं उस जैक से डायरेक्ट इसी जैक पे वायर कनेक्ट करने वाला हूँ, मेरा वही जैक रहेगा पुराना वाला, मैं इसको वहाँ से वायर उठा के यहाँ पे लगा दूंगा तो हमारा यही सॉकेट काम करेगा, लेकिन इस कारण से चलेगा हमारा USB। तो फ्रेंड, आप देखते रहिए। और ये मैं यहाँ पे मेमोरी कार्ड वाला है ना, ये जैक मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लगा दूंगा, यहाँ पे स्क्रू की मदद से इसको कस दूंगा, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे, ये भी सुविधा हमको इसमें देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, जो कि हम ऑक्स केबल के लिए बजाएंगे तो मैं इसके नीचे वायर है जो स्पीकर के हैं, मैं उनमें ऑक्स केबल का भी लगा दूंगा। और जो एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर जो LR आउटपुट है, इनपुट, वो भी मैं यहाँ स्पीकर पे ही दे दूंगा, इससे ये हमारा अच्छे से वर्किंग करेगा। फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ भी बदलाव नहीं कर रहा हूँ, बस इसके जो स्विच बटन है, जो मेन्यू के बटन है, वो भी बटन
बटन में इसमें या डायरेक्ट इस प्रकार से लगाऊंगा कि वायर की मदद से थोड़े लंबे कर दूंगा, बटन दूसरे लगा दूंगा, बस यही कर रहा हूँ और ज़्यादा कुछ खास नहीं करूँगा इसमें। फ्रेंड्स इसमें देख सकते हो आप, इसमें फ्रेंड्स आपको ग्राउंड देखना बहुत ही आसान है। ये एक पट्टी में जो एक वायर लगा है ये हमारा ग्राउंड का वायर है, और जो कि ये चार वायर लगे हैं अलग अलग, ये हमारे एक एक बटन के वायर हैं, देख सकते हो आप। ये मैं एक एक बटन के ऊपर कनेक्ट कर दूंगा, और जो कि सारे बटनों का ग्राउंड एक होता है, जो मैं ग्राउंड किसी भी बोर्ड में से ले लूँगा। फ्रेंड्स आप खोज लेना कौन सा है, मल्टीमीटर से खोजना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। वैसे आप कुछ जानते हो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा बिना मल्टीमीटर के। फ्रेंड्स रुको मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें ग्राउंड कौन सा है। फ्रेंड्स ये ग्राउंड है इसका, ये बटन का है, ये बटन का है, ये भी बटन का, ये भी बटन का, ये भी बटन का, जो कि इसमें पहला है वो ग्राउंड का है। तो हम ग्राउंड में सिर्फ एक ही वायर देंगे, सभी बटनों का ग्राउंड एक ही होता है, पूरे बोर्ड में भी ग्राउंड एक ही है। तो हम एक एक बटन के वायर है ना, स्विच के वायर, जो कि हम एक एक इन बटनों से कनेक्ट कर देंगे, बस सिंपल है फ्रेंड्स, आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने ये वायर इस पर कनेक्ट कर दिए हैं, देख सकते हो आप अच्छे से, और फ्रेंड्स ये अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं साथ साथ। फ्रेंड्स इससे आपका मोड चेंज हो जाता है, इससे सॉन्ग पॉज हो जाता है, रुक जाता है, और इससे आगे पीछे सॉन्ग चले जाते हैं दोनों बटनों से, अच्छे से वर्क भी कर रहा है। फ्रेंड्स मैंने ये बटन के वायरिंग एकदम कर ली है। अब मैं इसमें करूँगा USB सॉकेट के, जो कि मैं इस सोल्डर की मदद से इस जैक को यहाँ से हटा दूँगा, और यहाँ पे चार वायर लगा के मैं इसको दूसरे स्विच में लगा दूँगा। और फ्रेंड्स आपको ध्यान रहे कि इन वायर पे आप ग्लू भी लगा दें, ग्लू गन से ग्लू लगा दें, क्योंकि ये वायर टूटे नहीं। आपके पास है तो लगा देना, फिर कोई ज़रूरत नहीं है, बस सेफ्टी के लिए है बस ये। तो फ्रेंड्स रुक मैं इसमें सॉकेट में कर लेता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड मैंने इसका ये लगभग कंप्लीट काम हो चुका है, हमारा वायरिंग का सारा काम हो चुका है, देख सकते हो आप। मैं आपको जो को जूम करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ से जो इसका जो कनेक्टर था ना USB वाला, वो मैंने यहाँ से सोल्डरिंग की मदद से हटा दिया, और जो उनके ये वायर थे ना चार, जो मैंने इस स्विच से कनेक्ट कर दिए हैं। बस कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा स्विच को इस जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है, दूसरे सॉकेट में, सेम सॉकेट है फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं है सॉकेटों में। मैंने इसमें पेन ड्राइव लगा के इसको चेक भी कर लिया है, और जो कि ये हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई थी ना फ्रेंड्स, वो मैंने साइड में जो कि वो ट्रांजिस्टर है, वो IC वो 7805, उसी में मैंने कनेक्शन दे दिया 5 वोल्ट के, आप इसी से देख सकते हो। फ्रेंड्स आपको 3 वोल्ट की जगह नहीं देना है, ये जहाँ पे 5 वोल्ट दिखा रहा है वहीं पे चार्जिंग के सॉकेट को यहाँ पे कनेक्ट कर देना। और मैंने ये बटन लगा दिए हैं फ्रेंड्स, मैं इसको अभी कस के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो मैंने इसमें सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, इसको कस दिया है फ्रेंड्स। नहीं मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखाता इसको कस कस के, तो ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबी जा सकती थी, इसलिए मैंने आपको ये नहीं दिखाया। देख सकते हो नीचे की साइड मैंने ये इसके जो कि हमारा USB PCB था, चलो मैं मोबाइल काट के आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये ऐसे तो नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, देख सकते हो फ्रेंड्स इसके नीचे है ये। ये मैंने सारे वायरिंग कर दिए, और फ्रेंड्स मैंने इस पर सोल्डरिंग कर करके उसके ऊपर ग्लूगन डाल दिया है, क्योंकि हमारे वायर कहीं लूज होकर टूट ना जाए, इसीलिए हमने लगा दिया है। फ्रेंड्स ये अच्छे से वर्किंग भी है, मैंने चेक कर लिया है, इसको बजा के फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ रात के टाइम में। ये इस पर मैंने ग्लू डाल लगा दिया, और ये नीचे वाला सॉकेट मैंने अच्छे से स्क्रू की मदद से इसको लगा दिया और उस पर ग्लू लगा दिया, क्योंकि ये बॉडी से टच ना हो कहीं, तो मैंने इसको अच्छे से सेफ्टी से लगा दिया है, और जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स ये मैंने इसको 8 इंची का स्पीकर भी कनेक्ट कर दिया है, और देख सकते हो हमारे इस बोर्ड के अंदर लाइट भी जलने लगी है नीचे, देख सकते हो एम्पलीफायर के अंदर, जो कि हमारे उस कार्ड से लाइट ही ब्राइट होने लगी है। चलो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें सब कुछ एक बार सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स कोई फेक वीडियो नहीं है, एकदम रियल वीडियो है। आपको जो भी इसके बारे में पूछना और आपको लगाना है कि आपके पास कोई ब्लूटूथ पड़ा है तो आप इसको लगा सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे जा सकते हो, या फिर मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको सारी जानकारी इसमें बता दूंगा। आपको फिर भी समझ में ना आए तो फ्रेंड्स, वैसे तो आपको मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझा भी दिया है और अच्छे से वर्किंग भी है। चलो मैं फ्रेंड्स इसमें एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा देता हूँ।
डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ इस सर्किट से चल रहा है। फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक ब्लूटूथ पे आ चुका है। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें।